सो so फ्रेंड अगर आप भी अपने वायर वाले ईयरफोन से परेशान हो चुके हैं और आप अपने लिए एक न्यू नेगमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ के डी एम जी वन बुलेट ये डिवाइस आप लोग के लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है तो आज मैं करने वाला हूँ इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग और आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है साउंड क्वालिटी कैसी है इसमें क्या क्या आप लोग को स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं तो ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को सो हाई फ्रेंड्स मैं हूँ विवेक आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग तो ये है के डी एम नेकबैंड का बॉक्स जैसा कि आप देख सकते हैं के डी एम जी वन लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूज़िक टाइम थर्टी आवर्स का आप लोग को मिल जाता है पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है काफ़ी सॉलिड बॉक्स है तो चलिए मैं इसे ओपन करके आप लोग को दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं पैकेजिंग भी आप लोग को काफ़ी अच्छी मिल जाती है प्रीमियम मिल जाती है और यहाँ पर आप लोग को एक पेन भी फ्री मिल जाता है तो बाकी की चीज़ों को मैं बाहर निकालता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें आप लोग को क्या क्या मिल जाएगा इसके बॉक्स में आप लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं एक पेन मिल जाता है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं चार्जिंग केबल मिल जाता है और ये हमारा मेन डिवाइस नेकबैंड तो चलिए मैं इसके बारे में आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्नक बैंड के लुक के बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हैं लुक वाइज एक काफ़ी अच्छा है ब्लैक कलर में है जो प्लास्टिक यहाँ पे वो आप लोग को ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाएगा और जो रबड़ की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और आप लोग को ये मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है अगर आप इसे वेयर करके रखेंगे तो काफी अच्छा ये प्रीमियम लुक आप लोग को प्रोवाइड करता है मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है काफ़ी अच्छे मटेरियल का यहाँ पर यूज़ किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे आप लोग को रबड़ का पार्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिट किया गया है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के रबड़ का यहाँ पर यूज़ किया गया है और मैं प्लास्टिक की अगर बात करूँ तो प्लास्टिक भी काफ़ी हाई क्वालिटी की है और ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है के की आप लोग को ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर जो बटन दिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं यहाँ पर जो आप लोग को वायर मिल जाता है आपके स्पीकरस के लिए यानी कि ईयरफोन्स के लिए उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और अगर आप इसे टच करेंगे तो आप लोग को ये ब्रेडेड फील होती है और एक काफ़ी अच्छे क्वालिटी के साथ आती है यहाँ पर आप लोग को आपके ईयरफोन्स में मेटल की बॉडी मिल जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ आती है तो आप बड़ी आसानी से इसे यहां पर ज्वाइंट करके रख सकते हैं तो जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने कानों में लगा सकते हैं और बाकी समय आप इसे कुछ इस तरीके से ज्वाइन करके रख सकते हैं यहाँ पे जो आप लोग ईयर टिप्स मिलता है उसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी काफी कुशनी है तो अगर आप इसे दिन भर भी अपने कानों पर लगाकर रखेंगे म्यूजिक सुनेंगे कॉलिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगा तो लुक और बिल्ड दोनों ही बहुत अच्छे हैं तो चलिए मैं आप लोगों को इस बैंड के कंफर्ट के बारे में बताता हूँ तो इसे मैं लगभग 15 से 20 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और ये मुझे काफ़ी सही लगा है इसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है अगर आप इसे दिन भर वियर करके भी रखते हैं अपने नेक पे तो आप लोगों को बिल्कुल भी पेन नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और मैंने इसे वियर करके साइकिलिंग की है कॉलिंग की है म्यूजिक काफ़ी लंबे टाइम तक सुना हूँ तो मुझे तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है अगर आप इसे पहन जिम जाते हैं और आपको स्वेटिंग होती है तो भी यहाँ पर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये जो नेक बैंड है ये स्वेट प्रूफ है तो अगर आप इसे जिम पहन भी जाएंगे और आप लोग को स्वेट आता है तो भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके जो ईयर टिप्स हैं वो भी काफ़ी कुछ नहीं है काफ़ी सॉफ्ट तो अगर आप उसे वियर करके रखेंगे तो तो ये आपके कानों में चुपता नहीं है तो आप इसे लंबे टाइम तक पहनकर रख सकते हैं तो कंफर्ट वाइज तो मुझे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है काफ़ी अच्छे कंफर्ट के के साथ ये आप लोग लिए आता है इसके बटन की अगर मैं बात करूं पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं आप लोग को सारे बटन देखने को मिल जाएंगे माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है जो कि आपके कॉलिंग में काम आने वाला है और यहाँ पे आप लोग को चार्जिंग स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जो कि टाइप सी है तो ये मॉडर्न लुक के साथ भी आता है तो ये जो बैंड है मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है और कंफर्ट वाइज भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब मैं आप लोगों को इस नेकबैंड के स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूं तो इसमें आप लोगों को बी वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिल जाएगा तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है मैं बात करूं इसके बैटरी की तो यहां पे आप लोग थ्री हंड्रेड फिफ्टी की एक बड़ी बैटरी दी गई है मैं बड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेकबैंड के हिसाब से काफ़ी बड़ी बैटरी मानी जाती है और अब इसे फुल चार्ज करना चाहेंगे तो ये डेढ़ से दो घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इसमें कंटिन्यू म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे तो ये आप लोग को तीस घंटे का यानी कि थर्टी आवर्स का म्यूज़िक टाइम देती है प्लेबैक टाइम देती है और आप इसमें अगर कॉलिंग करना चाहेंगे कंटिन्यू तो आप लोग को टी फाइव आवर्स यानी कि पैतीस घंटे का यहां पर आप लोगों को टॉक टाइम मिल जाता है तो स्पेसिफिकेशन वाइज भी ये मुझे काफी पसंद आया है इसमें आप लोगों को कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी मैं बात करूं इस डिवाइस के साउंड क्वालिटी की तो इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है मैं इसे लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं मुझे काफी पर्सनली पसंद आई है इसमें काफी अच्छी आप लोगों को लाउडनेस सुनने को मिल जाती है लाउडनेस में कोई भी कमी नहीं है इसकी जो म्यूजिक uh, क्वालिटी है वो भी काफ़ी क्लियर है इसके वोकल्स आप लोगों को क्लियर मिल जाएंगे म्यूजिक सेपरेशन काफी अच्छा है मैं बात करूँ बेस की तो इसमें आप लोगों को डीप बेस सुनने को मिल जाता है तो अगर आपको एक बेस लवर है तो आप लोग को ये बैंड डेफिनेटली पसंद आने वाला है और इसमें आप लोग को भी सुनने को नहीं मिलता है तो ओवरऑल अगर मैं बात इसके म्यूजिक क्वालिटी की या साउंड क्वालिटी की तो इसमें काफी अच्छी आप लोगों को साउंड क्वालिटी मिल जाती है चलिए मैं आप लोग को इस डिवाइस का प्राइस बता देता हूँ तो ये आप लोग को ऑफलाइन मार्केट में दो हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाएगा तो क्या इस प्राइस टैग में आप लोग को इसे परचेस करना चाहिए तो हाँ आप इसे परचेस कर सकते हैं क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है आप लोग को काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ पर मिल जाता है मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि इसमें आप लोग को तीस घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम मिल जाता है टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जो कि मॉडर्न लुक के साथ आता है तो ये इस प्राइस टैग में वर्थ है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से परचेस कर सकते हैं मैंने इस डिवाइस के बारे में सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हैं डिटेल में आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियोज लेकर आते रहते हैं आज के लिए बस इतना ही जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू